साढ़े चार से, मतलब साढ़े चार बजे आते हो या फिर मिल जाएगी पापा जी? साढ़े चार बजे मिल जाएगी। मिल जाए हे गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट व्लॉग। तो टाइम हो रहा है शाम के 5:30 एंड आज मैं आया हूँ प्रशांत विहार में। तो यहाँ पे बॉम्बे की पाव भाजी बहुत फेमस है। अभी तो शाम का टाइम है इसलिए भीड़ नहीं है यहाँ पे, बट रात को अगर आप यहाँ पे आओगे ना, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, इतनी ज़्यादा, मतलब कई बार तो 15-15 मिनट की वेटिंग, 20-20 मिनट की वेटिंग ऐसे होता है। तो आज मैं यहाँ पे पाव भाजी खाने आया हूँ। भैया सिर्फ 5-10 मिनट पहले आए हैं, तो बस वेट ही कर रहा हूँ मैं, उनका सेटअप वेटअप हो रहा है, फिर बनवाएंगे भैया से एक प्लेट पाव भाजी, ट्राई करते हैं यहाँ पे। तो ये है रामू बॉम्बे की मशहूर पाव भाजी, पुलाव, वड़ा पाव। मैं तो पाव भाजी खाने आया हूँ। तो प्रशांत विहार लेन में है ये, CRPS स्कूल बिल्कुल आगे ही पड़ता है यहाँ पे, एंड इन्होंने यहीं पे लगाया हुआ राइट साइड पे। एंड जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ये प्रशांत विहार की जो लेन है बहुत फेमस है फूड के लिए, बहुत ज़्यादा अंकल्स, हॉटस्पॉट, मिनी शॉप, सब कुछ है यहाँ पे। एंड आप ये देख ही सकते हो, ज्ञानी के बिल्कुल सामने ही है ये, बिल्कुल सामने बैठते हैं। एंड जैसे कि मैंने आपको पहले व्लॉग में दिखाया था, ये देखो आप दिख रहा होगा आपको यहाँ से शेख जंक्शन और हैवमोर, JB कचौड़ी वाले बिल्कुल यहीं पे ही हैं। जो भी फूड है ना यहाँ पे ज़रूर आना यार। प्रशांत विहार की जो पूरी लेन भरी हुई है, आगे तो और भी ज़्यादा भरी हुई है, छोले भटूरे, अमृतसरी कुलचा, छोले भटूरे, छोले कुलचे, कचौड़ी, सब कुछ है यहाँ पे। तो फूड हब है तो पूरा प्रशांत विहार। तो भैया के पास एक प्लेट पाव भाजी बनवाते हैं। तो सेटअप तो रेडी हो चुका है इनका, तो अभी पाव सेक के रख रहे हैं पहले थोड़े बहुत, उसके बाद भाजी बनाएंगे पूरी ढंग से। तो वेट कर रहा हूँ मैं। तो अब भैया बना रहे हैं भाजी मेरे लिए। भैया आप दिल से बनाना, जो बनाओगे यार दिल से बनाओगे ना, फिर ठीक है यार। ये भैया ने डाल दिया अमूल बटर, अमूल है ना भैया? हाँ अमूल, बढ़िया भैया। ये डाल दिया बटर, ये क्या डाला भैया? ये मसाले डाल रहे हैं। अच्छा, अपने आप खुद बनाते हो? जी जी। ये मिर्ची डाल दिया? अरे बता दे, अरे सब सब डाल दिया आपने, बताते जाओ यार। क्या क्या डाला? ये गरम मसाला डाला हूँ, ये मिर्ची डाला हूँ, ठीक है, ये धनिया डाला हूँ, धनिया पाउडर, ठीक है, ये जो मसाले वो खुद मैं बनाता हूँ। अच्छा, खुद बनाते हो ये वाली मसाले? अच्छा अच्छा, ठीक है। ओए होए होए, गाढ़ी चटनी आ गई। तो भैया सबसे पहले बताओ टाइमिंग्स क्या है यहाँ की? यहाँ के टाइम में 4:30 से 10 बजे रात तक। अच्छा, 4:30 से, मतलब 4:30 बजे आते हो या फिर मिल जाएगी पापा जी? 4:30 बजे मिल जाएगी। मिल जाएगी, बहुत बढ़िया है। तो कितने टाइम से हो भैया आप यहाँ पे? मेरे को 11 साल हो गए। 11 साल जी, क्या बात कर रहे हो यार, बहुत बढ़िया यार। ओए होए होए, खुशबू इतनी बढ़िया आ रही है यार, मज़ा आ जाएगा। ये फिर से मसाला? जी जी, फिर से मसाला, फिर से मिर्च जी, फिर से ये क्या गरम मसाला? जी जी। अच्छा, ये है मसाला जो बनाता हूँ। अच्छा अच्छा, जो ये इसका जादू है जी, भाजी का। और बटर, क्या बात है, दिल खोल के बटर डाल रहे हो यार आप तो, बहुत बढ़िया है। धनिया, धनिया आ गया, चलो बहुत बढ़िया है। होगी भाजी तैयार हमारी? भाजी तैयार हो गई, बहुत बढ़िया है, मजा आ गया। तो भैया अगर प्राइस की बात करें, क्या है प्राइस इसका? 70 रुपये प्लेट है। और हाफ हाफ का कुछ होता है अगर फुली? नहीं है। अच्छा, फुल प्लेट 70 रुपये की? जी जी, 70 रुपये। और क्या क्या आइटम है भैया आपके पास? मेरे पास पाव भजी है, पुलाव है, वड़ा पाव है। पुलाव भी है? अच्छा, वड़ा पाव भी जी। क्या बात, उनका क्या प्राइस है भैया? 50 रुपये प्लेट है, उसमें 2 पीस होते हैं। अच्छा, वड़ा पाव में जी। और पुलाव? पुलाव 80 रुपये प्लेट है। 80 रुपये प्लेट जी, बहुत बढ़िया है। बॉम्बे मसाला पाव 120 रुपये प्लेट है। अच्छा बॉम्बे, अच्छा बहुत बढ़िया है, वो भी ट्राई करेंगे आज, तो हम सिर्फ पाव भाजी ट्राई करेंगे भैया। बिल्कुल। तो अगर एक्स्ट्रा भाजी लेनी हो तो उसके चार्जेस हैं भैया क्या है? जी एक बार मैं देता हूँ। अच्छा, एक बार जो लेते हैं उनका पूरी प्लेट की 60 रुपये की लगती है। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब एक बार आप दोगे? एक बार देता हूँ। ठीक है भैया। डिलीवरी वगैरह कुछ है?
हाँ पास पास में होता है तो मैं कर देता हूँ। अच्छा, मतलब एक दो किलोमीटर मैक्सिमम? एक किलोमीटर तक। अच्छा अच्छा, ये हमारी पाव भाजी लग रही है। ओए होए होए, आ गई हमारी पाव भाजी, क्या आवाज है। तो देखने में इतनी टेस्टी लग रही है, ये देखो दोबारा बटर डाल दिया भैया ने ऊपर से। इसे हम रखते हैं यहाँ पे। अब ये हमारी पाव भाजी, भाई साहब बटर कितना डाल दिया इन्होंने, मज़ा आ जाएगा आज तो खाने में। और ये इनकी जो खुद चटनी बनाते हैं। तो अब रिव्यू का टाइम है, ट्राई करते हैं पाव भाजी यहाँ की। ओए होए, ये देखो क्या हुआ, तो मसाला पूरा डाला हुआ है। अब ट्राई करते हैं, क्या हुआ, मज़ा आ गया। बटर का एक अलग से टेस्ट आ रहा है इसमें, एंड भाजी का जो मसाला है ना यार, बहुत यूनिक है। मैंने काफ़ी बार देखा था, यहाँ पे इतनी भीड़ होती है रात को, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है। जब मैं नया नया रोहिणी में आया था तो पहली बार देखा था ना, मैं देख रहा है क्या यार यहाँ पे, ऐसा क्या बिक रहा है यार। तो आज देखा मैंने यार, इतना टेस्ट जो है यूनिक है, वर्थ इट है पूरा। एंड प्राइस के हिसाब से तो यार कम्प्लीटली वर्थ इट है। जो भी प्रशांत यार के पास रहते हैं या ना भी रहते हो यार, हमेशा जैसे मैं बोलता ही हूँ, तो यार कहीं चीज़ें ऐसी होती हैं जो छुपी हुई होती हैं, वो उनमें से ही है। तो ज़रूर ट्राई करें प्रशांत यार में, अगर आप आसपास रह रहे हो या कहीं भी दूर रह रहे हो, तो जहाँ पे आएँ ज़रूर ट्राई। तो खा ली भैया मैंने आपकी पाव भाजी, इतना स्वादिष्ट खाना था आपका, मज़ा आ गया यार, बहुत टेस्टी लगा मुझे आपकी पाव भाजी। दोबारा ज़रूर आऊँगा मैं, और अगली बार जब आऊँगा पुलाव भी ज़रूर ट्राई करूँगा। और भैया मैंने एड्रेस तो बता दिया है सबको, लेकिन आप अगर खुद भी बता दो। ठीक है, सी ब्लॉक प्रशांत विहार। हाँ जी, अग्रवाल भवन के सामने रहता हूँ। अच्छा जी, चलो ठीक है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के साइड में। अच्छा, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स यहाँ पे है, इसके बिल्कुल साइड में लगाते हो। तो वीकली कुछ ऑफ होता है, सातों दिन आते हो आप? मैं सातों दिन आता हूं। सातों दिन आते हो, मैं यही बोलूंगा ज़रूर आएँ और इनका पाव भाजी ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू।